तो हेलो गाइस, तुम लोग कैसे? उम्मीद तो करता हूँ कि एकदम बढ़िया और एकदम मस्त होंगे। और गाइस अगर मस्त हो तो यार आज की इस वीडियो को एकदम से एंड तक देखते जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भाई आप लोग का कोबरा बंडल रिटर्न करने। देखो आप में से काफ़ी सारा मैंने मेरे को इसको लेकर कॉमेंट किया हो, तो यार फाइनली आज कोबरा बंडल कार्ड में बात करने ही वाले, पूरे के पूरे कोबरा बंडल कार्ड में एंड में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और भी इवेंट है जो हम लोग का जानना चाहिए, तो उसके इवेंट के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने मिले। तो बैनर के अंदर मैं सारे के सारे इवेंट को दिखाया नहीं, लेकिन यार इवेंट को तो यार वीडियो के अंदर जरूर जरूर दिखा दूंगा। तो टेंशन नहीं करने का अपन तो है ना भाई, आप लोगों को अच्छे से अच्छे इवेंट को दिखाते हैं, और सब इवेंट को कंफर्म होता है तभी बताते हैं, और कंफर्म नहीं होता तो उसके बारे में कुछ बताते नहीं है। तो यार छोड़ो ये सब, हम लोग तो यार बैनर के अंदर जो देखा ये तो यार लास्ट में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और भी इवेंट के बारे में बात करेंगे जो अपकमिंग देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो समुराई बंडल भाई, यार इसको लेकर बहुत ही सारा भाई ने मेरे को कॉमेंट किया कि यार विक्रम भाई समुराई बंडल रिटर्न कब आएगा, समुराई बंडल कब आएगा, समुराई बंडल निकलने में कितना डायमंड जाएगा, समुराई बंडल कौन से महीने में आएगा, इस टाइप का बहुत सारा मेरे पास कमेंट था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखो यार समुराई बंडल को अगर बात करें तो भाई समुराई बंडल आने के लीक्स तो अकॉर्डिंग कुछ दिन पहले निकल के आया था, लेकिन अभी के टाइम पे फिलहाल में इसके लेके कोई भी ऐसे में अपडेट नहीं है जो आप लोगों को देखने के लिए मिले। हाँ कुछ सर्वर के अंदर ऐसा है जो यार समुराई बंडल रिटर्न आ रखा है, और कुछ सर्वर के अंदर ऐसा है कि स्टोर में भी डाल के रख दिया है गिरना, लेकिन हमारे सर्वर के अंदर तो गिरना स्टोर में नहीं डालेगा। आप लोग को पता है कि स्टोर में डालेगा तो यार सब कोई परचेस कर लेगा इसके लिए, तो यार कुछ सारे सर्वर के अंदर ऐसा करके रखा है, लेकिन हमारा इंडियन सर्वर के अंदर ऐसा कुछ होगा नहीं। बाकी तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, देखो अगर इस तरफ की कुछ होता भी है तो भाई उसका पहला अपडेट दे दूंगा आप लोग को बहुत जल्दी। तो देखो अभी के टाइम पे जितना लिंक्स मेरे पास था उसके अंदर ही मैंने आप लोग को बता दिया, बाकी तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरे के पूरी जानकारी दे दिया। इसके बाद में यहाँ पे देखो स्कोर रॉयल, इसके बारे में आप लोगों में से बहुत ही सारा भाई ने कमेंट किया कि अरे विक्रम भाई स्कोर रॉयल या फिर जर्सी रॉयल रिटर्न में कब आएगा, तो न्यू जर्सी कब आएगा, इस टाइप का करके भी आप में से काफ़ी सारा भाई ने कमेंट किया। तो यहाँ पे देख सकते हो न्यू जर्सी ओल्ड जर्सी सब कुछ यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सबके सब जर्सी को लेकर आप लोग को बहुत ही जल्दी एक इवेंट देखने के लिए मिलने वाली है। हाँ भाई इसका देखो मैं डेट तो नहीं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इसको लेकर आप लोगों का बहुत ही जल्दी एक इवेंट निकल के आएगा जहाँ से आप लोगों का बहुत सारा डायमंड तो खाने ही वाला है, लेकिन यार यहाँ से अच्छे अच्छे चीज़ भी निकल जाएगा। देखो 1000 डायमंड के आसपास तो यार एक जर्सी का पैंट और जर्सी का टी शर्ट जो है तो निकल ही जाएगा, आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1000 डायमंड के अंदर निकल जाता है इतना बहुत ही सारा भाई ने इसके लिए तो मतलब डायमंड तो वेस्ट करेगा ही। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो ये हो रहा है आप लोगों का बी आर रैंक की भाई सीजन 39 का जो रिवॉर्ड है उसको। तो देखो मैं आप लोग को कल की वीडियो के अंदर भी शायद थोड़ा बहुत दिखाया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर रिव्यू करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पहनने के बाद यार किस टाइप का लगेगा, जो बी आर रैंक की सीजन 39 का आप लोग का जो रिवॉर्ड वगैरह होगा वो कैसा होने वाला है। इसके साथ साथ भाई यहाँ पे तो आप लोग देख लिया, इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो इसको सिर्फ मेल को ही पहना सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो ये आप लोग का बी एस के 94 का कुछ यार गन का स्किन है जो यार बहुत ही ओपी टाइप का देखने के लिए आप लोग के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ भाई और भी कुछ रिवॉर्ड वगैरह है जो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक नॉर्मल टाइप का पैरंग की स्किन जो यार मेरे को तो यार बेकार जैसी लगा, क्योंकि इस टाइप का पैरंग का स्किन बहुत सारा भाई के पास है। तो जो भी है भाई छोड़ो यार फ्री में दे रहा है तो यार लेना ही पड़ेगा, रैंक सीजन पे दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पे एक लूट बॉक्स भी देख सकते हो, ये भी यार कुछ लेजेंडरी टाइप का है तो मेरे को बढ़िया लगा है। तो जो भी है भाई ये लूट बॉक्स भी बहुत ही ओपी और जहर टाइप का है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो हीरो का अवतार बैनर किस टाइप का होगा, सिर्फ ही नहीं भाई ग्रैंड मास्टर मास्टर का भी यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा। तो सबके सब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, अवतार बैनर सब कुछ क्या होगा। तो ये तो आप लोग का बी आर रैंक हो गए, ठीक है। बी आर रैंक का तो यार मतलब कुछ अच्छा टाइप का ही है। तो यार अभी के टाइम पे बात करके सी एस रैंक, देखो सी एस रैंक का भी थोड़े दिन बाद अपडेट आने वाली है आप लोग को शायद मैं पता ही है, लेकिन सबसे पहले बी आर रैंक की आएगा, इसके लिए बी आर रैंक का दिखा दिया। अभी बात करती है कि आप लोग का सी एस रैंक की, तो भाई सी एस रैंक का जो है वो आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो सी एस रैंक का कुछ यहाँ पे जो आप लोग को टी शर्ट देखने के लिए मिलता है, ये वाला टी शर्ट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। टी शर्ट बी आर बहुत ही ओपी टाइप का मेरे को लगा है भाई, बी आर रैंक से भी अच्छा मेरे को सी एस रैंक का लग रहा है। तो यार आप लोग भी बताना मेरे को कमेंट में कि कौन सा लगा है। तो जो भी भाई ये भी यार कुछ बढ़िया टाइप का है। इसके साथ साथ यहाँ पे एसबीडी का एक स्किन देख के रखा है गिरना भाई, एसबीडी वाला स्किन बहुत ही सारा भाई ने निकलने के लिए चाहता है कि यार उसके लिए बहुत सारा डायमंड भी जाता है, तो यार कोई निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पे देख सकते फ्री वाला गन स्किन हम लोग के लिए ला रहा है गिरना,
जिसमें हम लोग का मूवमेंट स्पीड सिंगल प्लस होगा, रेंज भी सिंगल प्लस ही देखने के लिए मिलेगा। इसका भी यहाँ पे देख सकते हो एक ओपी टाइप का पैन की जो स्किन है भाई, उसको भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाता है। पैन की स्किन के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ आइटम वगैरह है जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक पैरासोट जैसा मतलब यार स्काई बोर्ड है, तो जो भी है भाई सॉरी बताना मिलता थोड़ी दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे स्काई बोर्ड के बदले में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ अवतार बैनर भी यहाँ पे आप लोग को दिख रखा है। ये सारे के सारे अवतार बैनर जो है सी एस रंग के आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे बी आर रंग सी एस रंग दोनों का ही थोड़ा सा मैं रिव्यू करके आप लोग को दिखा दिया, बाकी आने वाले दिन में तो आप लोग का जब चेंजेस हो जाएगा तो आप लोग देख लेना, ये सारा रिवॉर्ड आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी है भाई ये सारी रिजॉर्ट तो बात हो गई, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आप लोग का कमेंट्स करने में। देखो कल के वीडियो के अंदर कमेंट में थोड़ा सा लास्ट में पिक किया था, इसके लिए बहुत ही सारा भाई ने कमेंट किया था कि यार विक्रम भाई कमेंट पिक किया नहीं, तो यार सबका कमेंट पिक किया हुआ था, एकदम लास्ट में पिक किया था, इसके लिए थोड़ा लेट से देखने के लिए मिला। तो जो भी है भाई आज एकदम बीच में पिक किया हो तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे सबका कमेंट है भाई। यहाँ पे कमेंट किया है कि भाई कितना डायमंड में एक बंडल निकलेगा स्क्रॉचिंग सेट में, तो देखो 3800 डायमंड तो यार जाएगा ही जाएगा, ठीक है 3800 लेके 4000 डायमंड इतना तो जाएगा एक को निकलने में, बाकी अगर टोकन एक्सचेंज करके निकालोगे तो वहां पे कितना जाएगा ये मैं बता नहीं सकता हूं। इसके बाद में यहां पे भाई गरेना को बोलना गोल्डन सेट का मंडल दे, तो यार अभी तो गोल्डन सेट का रिंगमेंट भी आ चुका है, फिलहाल में स्पिन भी लोगों ने कर चुका है, तो यार कहां से आएगा। तो यार गरेना को बोल के भी कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि यार बैनर के अंदर तो मतलब सब कुछ दिखा चुका है, तो कुछ भी नहीं कर सकता अभी। गरेना भी का हाथ में भी कुछ नहीं है, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। इसके बाद में यहां पे वाह मैं तो बहुत खुश हूं करके लिखा है, क्योंकि यार शायद मैं खुशी क्यों है पता है मेरे को, क्योंकि यार इसके पास शायद मैं पहले से पड़ा हुआ है, इसके लिए इतना खुश हो रहा है क्योंकि यार रिटर्न आ जाएगा तो सबके पास आ जाएगा इसके लिए। तो जो भी है इसके बाद में यहाँ पे कमेंट किया कि ब्लैक टी शर्ट रिटर्न कब आएगा, तो भाई इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद में लेट्स वोट फॉर कोबरा बंडल करके एक भाई ने कमेंट किया है, ये मेरा हर वीडियो के अंदर भी कमेंट करता है। उसके बाद में यहाँ पे और एक भाई के जिसको लेकर भी यार यहाँ पे बहुत सारा भाई ने कमेंट खरीदा है उसके अंदर, तो ये भाई भी बहुत सारा मेरे को कमेंट करता है कि रिंग न्यू रिंग इवेंट में कोई स्पिन मत करना, हाँ भाई वो स्क्रॉचिंग वाला बंडल के अंदर बोल रहा है। तो जो भी है भाई यहाँ पे और एक भाई ने कमेंट किया कि आई एम वेटिंग फॉर ओल्ड गोल्डन वन करके लिखा है, उसके बाद में यार गोल्डन सेट नहीं आ रहा है, मैं भी उसका वेट कर रहा था करके लिखा है। तो उसके बाद में यहाँ पे और एक भाई ने कमेंट किया कि ब्लू वाला निकलने है भाई, इसके बाद में कोई स्पिन मत करना करके भाई ने लिखा है। तो यार सच में यार देखो यार सबका दिल तो टूट चुका है ना कि यार गोल्डन सेट बंडल रिटर्न आ रहा है, गोल्डन सेट रिटर्न आया इस टाइप का सबको यार बोलना पड़ा था उस टाइम, लेकिन अभी यार गोल्डन सेट का देखो न्यू वाला बंडल आया, रिटर्न आया ही नहीं एक वाला बंडल भी। तो यार जो भी यहाँ पे और एक भाई ने कमेंट किया कि आई एम वेटिंग फॉर 2 मंथ्स फॉर दिस इवेंट, इसके बाद मैंने मेन करके लिखा है, उसके बाद में 5000 प्लस डायमंड है भाई ओल्ड गोल्डन सेट को निकालने के लिए, 3 मंथ से इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे गिरना को एक गाली वगैरह दिया, तो गाली मैं वीडियो के अंदर दे ही नहीं सकता हूँ। तो जो भी है भाई इसके बाद में यहाँ पे मैं भी करके लिखा है, एंड उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि मेट्रो ओल्ड बंडल का वेट कर रहा हूँ करके लिखा है। तो जो भी है देखो सबका कमेंट, जिस भी बंदे ने कमेंट वगैरह किए थे सबका कमेंट यहाँ पे पिक कर दिया। अभी जिनका कमेंट इस वीडियो के अंदर नहीं है उसका कमेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यार आप लोग का जो न्यू इफो बंडल है उस कर में, तो देखो अभी तो यार ओल्ड वाला बंडल कर में एकदम से इन में बात करेंगे, उसके पहले तो ये न्यू बंडल को भी देख लो। न्यू बंडल का यहाँ पे मार्क्स देखो भाई, अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स देखो भाई बहुत अच्छा टाइप का मार्क्स है। उसके बाद में फेस पेंट देखो, इस पर भी 2 कलर का है तो बहुत अच्छा टाइप का है। एंड उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो इसका बैनर अब तक, ठीक है बैनर अब तक मैं आज से पहले दिखाया नहीं हूँ कभी भी, आज पहली बार दिखाया। तो यार क्योंकि एक भाई ने मेरे को कमेंट में बोला था कि यार न्यू बंडल आ रहा है, तो शायद मैं इसका बैनर अब तक भी तो होगा ना, तो यार बोला था मेरे को यार पता नहीं था यार भूल चुका था। तो जो भी ये दिखा दिया, इसके बाद में हाइपर वो कटना पैरंग का स्किन ग्रेंड का स्किन बहुत कुछ यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को मिल जाता है। और ये जो सबके सब में आप लोग को चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का जो एडिबल एनिमेशन है या फिर आप लोग का स्काई विंग है, टीम इमोट बोल सकते हो, लुक चेंजर रिमोट बोल सकते हो, जितने भी आइटम है सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को जो देखने के लिए मिलता है, ये सारे के सारे तो भाई आप लोगों का न्यू बंडल की है। और भाई न्यू बंडल तो आप लोगों को पता ही ना, पैराडॉक्स बंडल जिसको लेके यार अभी के टाइम पे बहुत ही मतलब लीक्स वगैरह निकल के आ चुका है। और पैराडॉक्स बंडल तो भाई नेक्स्ट मंथ को 15 तारीख के बाद आ जाएगा, ये बात भी आप लोगों को मैं बहुत दिन से बता के आ रखा हूँ। पैराडॉक्स बंडल की यहाँ पे पैराडॉक्स हाइपर बुक को भी देख सकते हो, ये भी आप लोग को नेक्स्ट टॉप इवेंट पे देखने के लिए मिल जाएगा। आने वाली जो नेक्स्ट टॉप इवेंट होगा ना उस भी आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो एक
ओपी टाइप का यहाँ पे बुक तो देख सकते हो ना आप लोग। हाँ मेरे को पता है कि आप लोग मतलब अभी के टाइम पे कॉलेज वगैरह जाते हो तो वहाँ पे बुक वगैरह पढ़ते हो, लेकिन ये यार गेम का बुक है, इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। ये हाइपर बुक करके नाम है इसका, तो पैराडॉक्स हाइपर बुक जो भी है भाई। इसके बाद में यहाँ पे नीचे में देख सकते हो लूट बॉक्स वगैरह देखने के लिए मिलता है, लेकिन लूट बॉक्स नहीं है भाई, ये टोकन का बॉक्स है ठीक है। और भाई इस टाइप का कोई एडिंगमेंट के अंदर से भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यार लास्ट में जो हाइपर बुक आया था वो जब आप लोग का टॉप इवेंट पे आया था तो उसके बाद भी यहाँ पे रिंग इवेंट के अंदर से भी देखने के लिए मिल चुका था उसी दिन से। आप लोग को पता भी है शायद, आप लोग अगर हाइपर बुक निकालते हो तो भाई उस स्टेप से भी देखने के लिए इस बार भी मिल सकता है, क्योंकि यार बाहर के कुछ तरह सर्वर के अंदर स्टेप का रिंग इवेंट के अंदर और टॉप इवेंट के अंदर दोनों मतलब दोनों इवेंट के अंदर से ही सर्वर के अंदर चल रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दिया। अभी देखो यार इंडियन सर्वर के अंदर भी आने का चांस ऐसा ही है, बाकी यार गिरना का हाथ में है भाई, गिरना कुछ भी कर सकते हैं आप लोग को पता है। तो जो भी ये देखो आने वाले दिन में हाइपर बुक आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी तो नेक्स्ट टॉप इवेंट ही होने वाला है, तो उस टाइम शायद मैं गिरना इस टाइप का रिंग इवेंट के साथ भी दे दे। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो बंडल, भाई यार बंडल का रिव्यू मैं आप लोग को बहुत टाइम से करा के देख चुका हूँ, यार बंडल आप लोग को देखने के लिए मिलने वाली है भाई, कब वो भी बता दिया हूँ कि देखो 15 मई के बाद इसका जो बंडल है भाई देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा, रिंग इवेंट के अंदर से देखने के लिए मिलेगा। और रिंग इवेंट भी किस टाइप का होगा यहाँ पे तो सब कुछ आप लोग देख ही सकते हो, फिलहाल में सब कुछ का रिव्यू यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। सिर्फ इवेंट नहीं, इवेंट का कन्फर्म डेट क्या होगा वो भी बता दिया, अरे 15 तारीख के बाद आएगा ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो यार इसका लुक्स वगैरह कैसा होगा, एनिमेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख के रखा है, गिरना मतलब एक साथ ही सब कुछ है। तो हाँ एक बात है भाई, एक भाई ने मेरे को कमेंट में बोला था, मैं शायद मैं आप लोग को बहुत दिन से बताऊंगा कर रहा हूँ लेकिन यार भूल जाता हूँ। तो देखो भाई ने मेरे को ये कमेंट किया था कि यार विक्रम भाई ये जो पैराडॉक्स बंडल है इनको क्या हम लोग एक्सचेंज कर सकते, मतलब एक्सचेंज स्टोर में ये बंडल रहेगा क्या, इस टाइप का कमेंट मेरे को भाई ने बोला था। तो देखो मैंने उसको बोला था कि यार देखो अभी के टाइम पे ये बात बताना मुश्किल है कि यार ऐसा होगा क्या नहीं, क्योंकि यार देखो सच्ची में आप लोग हमसे देखो अभी के टाइम पे जितना भी रिंग इवेंट आ रहा है उसके अंदर ग्रैंड प्राइस को एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद में गई बात करी कि आप लोग का कोबड़ा बंडल रिटर्न कर में, मतलब ओल्ड डिवो बंडल रिटर्न कर में। देखो आप में से काफ़ी सारा भाई ने मेरे को ये कमेंट किया हो कि यार विक्रम भाई स्कॉर्पियो बंडल कब आएगा, विक्रम भाई कोबड़ा डिवो बंडल कब आएगा, विक्रम भाई रैम्पेज डिवो बंडल कब आएगा। यार मेरे को ये बात पता नहीं चलता, रैम्पेज का इवेंट तो कुछ दिन पहले खत्म हुआ, उस टाइम क्यों नहीं निकला भाई, उस टाइम तो दे दिया था ना करना। तो जो भी है भाई उस टाइम निकला नहीं तो उसके बारे में तो मैं अभी के टाइम पे लिक्स नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का स्कॉर्पियो और कोबड़ा इन दोनों के बारे में मेरे पास अपडेट है ठीक है। तो देखो अगर बात करें कि यार कोबड़ा के यार में तो भाई कोबड़ा देखो अभी के टाइम पे सच्ची में बात कर तो नहीं आने वाली, लेकिन स्कॉर्पियो आने वाली है ठीक है। तो कोबड़ा कब आने वाली है वो भी बता देता हूँ। देखो यार कोबड़ा का चांस पहले मैं आप लोगों का स्कॉर्पियो बता देता हूँ, देखो स्कॉर्पियो तो पहले आएगा, इसके लिए स्कॉर्पियो को भी पहले बता देता हूँ। स्कॉर्पियो भाई आएगा अब लोगों का मतलब इसी मंथ का एकदम एंडिंग में देखने के लिए मिलने का चांस है, अगर एकदम से एंड में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है तो भाई नेक्स्ट मंथ को ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है। और ये आप लोगों का स्कॉर्पियो बंडल की है। और कोबड़ा की बात करें तो भाई देखो कोबड़ा भाई अभी के टाइम पर बात करूँ तो भाई कोबड़ा एकदम से मतलब आप लोग का जुलाई मंथ के बाद आएगा ठीक है, इतना तक कि आप लोग पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि मई मंथ को जो न्यू बंडल आएगा उसके बाद जून मंथ को कोई भी वो बंडल रिटर्न में नहीं आने वाली, और आप लोग का एकदम से मतलब खींच के लेके जाएगा जुलाई मंथ, क्योंकि जुलाई मंथ इवो वर्ल्ड जो आएगा उसके अंदर से कोबड़ा M40 देखने के लिए मिलने का चांस 99% है। तो उस पर आप लोग का जब कोबड़ा M40 इवो वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा तो शायद मैं आप लोग का इवो बंडल जो कोबड़ा है उसको भी गिरना उसी टाइम रिटर्न कर दे, क्योंकि अभी के टाइम पे देखो स्कॉर्पियो का ज़्यादा लिक्स है, स्कॉर्पियो का ही आने का चांस है, कोबड़ा का विषय में कोई चांस है नहीं। बाकी गिरना का भाई हाथ में है, देखो गिरना अभी तक इसके लिए कोई भी अपडेट नहीं देख रखा है, तो यार गिरना ऐसा भी कुछ कर सकता है कि यार कोबड़ा भी आप लोगों को रिटर्न दे दे। लेकिन यार सच में बताऊँ तो यार कोबड़ा का सच्ची में अभी के टाइम पे कोई भी यूट्यूबर बता नहीं सकता है, आप लोग किसी को भी पूछना यार कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं बता सकता है, कोबड़ा का भाई सच्ची में अभी के टाइम पे कोई चांस नहीं है। लेकिन स्कॉर्पियो का भी चांस है आने का ठीक है, स्कॉर्पियो अगर आता है तो भाई नेक्स्ट मंथ को ही आप लोगों को देखने के लिए मिलने का चांस है, मेरे को जितना तक पता है कि भाई आप लोगों को 11 तारीख से पहले देखने के लिए मिल जाएगा उसका इवेंट ठीक है। मतलब जो इवेंट देखने के लिए मिलेगा इवो बंडल की मतलब स्कॉर्पियो बंडल की, वो इवेंट आप लोगों को 11 तारीख से पहले देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है। तो मेरे को इतना तक लिक्स पता था तो मैं आप लोगों को बता दिया। अभी के टाइम पे देखो कोबड़ा बंडल तो बहुत दिन बाद आएगा, तो आप लोग शायद में ये स्कॉर्पियो बंडल अच्छा लग दे तो इसको भी निकाल सकते हो, अदरवाइज अगर पैराडॉक्स बंडल भी अच्छा लग दे तो इसको भी निकाल सकते हो, बाकी आपका मर्जी, आपका डायमंड तो आपकी या कहाँ पे खर्च करोगे आपका ही मर्जी है। तो जो भी आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोनों हम लोग जरूर से करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।